तुम्हें वहां के समाज को लेकर सेक्स से हाथ नहीं लग जाओ तो वाले की सेहत चल दीदी अचानक मैं देख कौन भाई मैंने लगा से मैंने कही थी मोह बीड़ा में डाल दिए जो सामान से तेरा डाल दा छड़े हैं बाल्टी माल्टी देख तो नई बाल्टी अब फुड़ाई कछु कमी नहीं नहीं आई नहीं उद्घाटन हुआ कौन नहीं हुआ भाई मैं कत के सुंदर कौन हो जा तू संगे और दो चार रिश्तेदार बुला ले तू काम को काम हो जा तू और बस रिश्तेदार में बुला लेती देखो अब दीदी से मुझे की हो बुलाऊ ने अभी पता मैं कि ने बुला लू मैंने बुला लू लगा तो रात भर फिर आ रहे थे उन लगा के मैं पूछा दीदी से जैसी दीदी के वैसी कहे कौन है जी जाजू कितनी बड़ी बड़ी एक्शन में नौ डाला तो सास के ने अपने यहाँ तक हाँ भैया ठीक हो हाँ हम तो ठीक है हम तो एकदम बढ़िया रात मस्त और तुम हो ठीक हाँ ठीक है ठाक है मेरे जा कई बहन के वो जो अपन ने कमरा नहीं बनवा अबे हाँ हाँ सो मैंने सोची के सुंदर खंड कावा लेते हो दो चार रिश्तेदार बुला लेते सो मैं मतलब रात भर हम ही हूँ आ रहा हूँ रात भर दिख तो भज जाए ऐसी पूछे वाली बात है तो रही तो घर रात भर आ महीना भर रहा बढ़िया आराम से रहा हाँ ठीक है आ जाए जी हाँ हाँ आ जा आराम से जो भी पूजन करवाने हैं सो आराम से करवा है अपन बिल्कुल बिल्कुल दीदी आप सही किए नहीं हम कर ले जाओ तो भुन सा ऐसे ने कहे और घूम भी तो तेज होने लगो ठीक है तो रख है तनक मैं कौम भाई आ गए हैं अब कौम लगो ना तनक रहेगा तनक वो किचन में लेटिंग की भी टाल से नहीं लग पाई अब वो लगवा दे हाँ हाँ जी जाजी से राम राम कहता जिस सास के से मोई हाओ 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 राम राम तो हम कह दे हैं ठीक है आज जो आराम से आई हो हाओ बैग पैक करके आई हो एक दो महीना रख जो हाओ ठीक है रख दो बाहर भारत नारी कर साटर मर चोला रे अब जी बना लिया कहाँ चले गए और तो मैं भैया आने से तो ना कहने अच्छी सर सजा दें दो बना दें दो नहीं तो जी तो फिर रहेंगे ऐसी बेकार सी बने फटी शर्ट पहने होंगे वे जो मायके से ले आए थे हम ये कहीं तो सेट है ना काम है देखो तो एक गंदे फंदे छी छी देखो तो गंदे फंदे ईटा छू रहा है तुम कैसे गंदे फंदे धन्ने नहीं आउत कछु ये अबे घ्या को काम लगे सुफे वो लेत फिरे काय का जब सेट तुम 10 दिन की पहने बसा नहीं रही तुम्हें कितने बसाई नहीं बसाई oh, no. लो जा सेट पकड़ो यहाँ पहन लो अच्छे से पागल हो गई जाते हैं अबे देख तो जा 2 साल की सेट हो कई के ज्यादा है तो मुंह पका जा पहन लो आज बस पहन लो प्लीज हम नहीं पहन रहे का नहीं पहन रहे आज बस पहन लो तो बात कह रहे मुंह मुंह लगा अच्छा देखो तो जब कंजूसी छोड़ दो ऐसी भिखारी सी बने फिर रहे कौन है ना भीख दे के और चलो जो है तुम्हें पहन लो बानी में पहन रहा क्या पहन ले सो हमें नहीं पहनने लो ले जाओ घर पहन लो आज हमारे भाई यहाँ आना सोन के सामने तुम अच्छे से देखो चाहिए वो सास को क्या हमारा आओ सुकुन्ने कितो खेच का उदमो मतलब खैच कबूत सुनने की चल जीजा रस्सी खाने चल जीजा पेप्सी पीने मुई चौथ ना आँख नहीं लगा जितना वो 20 रुपया मिटवा देवे मुई हमारा भैया इतने दिन में से तो आ रहा तो मुँह भी सास को बोल रहे मतलब सास को इसे कही जैसे हमारी सास को लेगा तो सास को लेगा ऐसी में लेगा कह रो भूलेगा तू अच्छा समझ रहे लेकिन मैं सेट नहीं पहन रहा हूँ रोक दीजिए कहा अच्छा, नहीं भगा तैयार है पहन लो वहाँ जाने हैं तो पूजन उजन होने सु पूजन होने सो यहाँ तो करवाने वो जब झिल्ली में धे तो कीने निकवा दे बोए गाड़ी हम लेके आए थे चुपचाप पहन लो ठीक है ना हमें तुम्हारी 10 बातें नहीं सुनने ते मो बात रोड पे कह दे राम नहीं अगर तो बता जो घर तो अच्छा बनवाना अगर तू ही मान दे तो एक टपज्जा में रहते तो पैसा मिटवा उतते हाँ और जो देना टपज्जा फूट जाती सूद ना हम भी लड़क जाते पहन लो चुपचाप ओह नो सेट मेट नहीं मैं पहन रहा जब देखो जब उनने कही जो वो अब के 10 दिन तो सेट पेम है कद का खींच लो बताओ नेमा नहीं लग जाए हम 10 रुपया को नेमा 2 महीना चलाऊंगे 2 महीना तो मुँह पे जाए हर की भज्जा की बारात में ते करती अबे पहन लो धैर्य मोहन अरे सो बारात में हम नहीं लेवा रहे हैं अबे जा पहन लो
तेन तो सब लुवा दे, तेन तो सब लुवा दे, वह बात कह दे, लूट पे कह दे, पूरे डे बिछवा के। अच्छा 200 रुपया में का घटू जा, फेर लो 200 रुपया की तो आउ दे से, हम जाके रह दे के भैया रो सु पनीर मंगवा दे, जो पनीर की सब्जी बना लो सुनो, ओ एक पैसे ले आ जो। पागल तू नोई दे हो गई, बस रोटी में तो नोई दबी, उनने कही पनीर ले आइए, ओए पेप्सी ले आइयो, वह बात कह दे कज्जो के गाँव घर वो बेच दाइयो भैया, हम पैसा देने इतने पैसे में कछु नहीं घटो जाता, और वैसे भी काय को ना बना रोज रोज खाना है भज्जा कबू तो आओ थे, तुम इतना कंजूस ना बनो करे तो यहाँ फालतू को बात कहो नहीं क्या है, जब नई साड़ी कितने से ली आई देख तो काय तुमने नीले माई हमें सुकर मालो साड़ी ना जो है अपनी माई के से लेके आई थी। सही बता जी वो कभी पैसा उठा रहे गई थी तीन। अरे माई के से लेके आए थे, और तुम जी सब बात है छोड़ो, चुपचाप पनीर लेके आओ, पनीर की सब्जी बनने आज आलू बना ले के लिए, आलू टमाटर भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है आलू खा खा के हमारे मुंह को स्वाद लो चलोगा, बिल्कुल चलोगा भुजिए स्वाद चलोगा। देखो हमारे भाई यहाँ आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चुपचाप तुम पनीर लेके आओ। तो फालतू की बात कर रही क्या है, हमने की पनीर लेके आओ के बाप ने खाइए कब, मतलब खाइए कब तुम बाप लोग कहाँ जान लगा, मतलब पूछ गया तुम्हारे पापा ने कहूँ खाइए पनीर, माई के मैं रोज छोले भटोले खाते और पनीर की सब्जी खाते, हमने आलू देखे लो नहीं देता, आओ जब ये देखता मती बिल्कुल कितनी मती hey! जी सब बात है छोड़ो पनीर लेके आओ चुपचाप, ठीक है ना, और नहीं ले आओ का कर ले मुँह आओ देखा थे, मतलब बेचारा बनाऊ थी लेवे को बेचारा बनाऊ, देखो ले आओ इतनी कंजूसी ना दिखाओ करे पापा को, चलो एक दिन हमें गुस्सा चढ़ी आई आऊ तो दो ससुर की हूँ सो देखा थे, मतलब आऊ दो तू जब तक आ जब तक उसे पहले हम बना ले रहे, तुम ले आओ अब जैसे नहीं आ तो बेकार ही हो जाए हमारा, मतलब तो हम खा ले हैं तो नहीं खाओगे, देख मैं खा ले सुन लबा को जे तुम जी बहाने ना बनाओ, देखो दस टेढ़ के तुम चुपचाप पनीर लेके आओ, ऐसी सड़ी सी बात है ना करे कहीं हमारे सामने, हाँ रंदे पनीर लेके आओ जो कह के आओ, वो 10 रुपया के आलू ले सो, रात की नींद नहीं लगत के बता 10 रुपया मिट गया मुई, 3 घंटा सोसा तो जब लगत नींद, हाँ तुम तो जो कॉम ही है कंजूसी कंजूसी यही चक्कर में, तो मैं मार जाना पूरा धने तही रह जाना धरती पे, तो मैं नहीं जाना हम ले भी जा रहे हैं, हमें खुद मालूम है दुकान हाँ होता ही तो है सामने पनीर की, गाय की बाँ निकल गए जो गाय की बाँ मैंने बता रही, हम तो जी जा रहे तो मैं नहीं जाने आऊ आदमी का के बताओ गांव के, यही से तो कह रहा हूं सोनू की लुगाई दुकानन फिर रही, अच्छा लगे कम अच्छा लगे, अब तुम तो देखो तुम चले जाओ सो, मैं देखत मैं जात मैं बचवा बनाऊ, हां ठीक है चले जाओ जल्दी, सेट तो नहीं पहन रहे हम, हां अच्छी लग रही फटी ना फटी वो सो मैं फाने दे रही पछाने से, और हम कज्जा देख मैं कहूं तेरा ही हो जे, देखो तो ऐसी बात कर तुम्हारी तेरे कैसे होंगे हम, तू ही हो जाए तू ही, अब तुम जाओ पनीर लेके आओ, हाँ जा रहे हाँ सो जाओ ठीक है जाओ ठीक भाई पनीर लेके तो आओ, सेट तो हम पहना ही दे हैं तुम्हें, आऊं दो हमारे भैया पनीर की सब्जी, हाँ मुझे ले आऊं पनीर, मैं तो कह रहे दुकान बंद हती आज दूध ही नहीं मऊ के आते दुकानदार के तेरे पनीर नहीं बन पाई, बहुत बहाने हैं बनावे, सुन तो नहीं रही भाग गई, हेलो जी जाजू के तेज जा रहे हम हाओ हाओ वह कुन्नता है हाओ हाओ बस पहुंचे जगह है सारे कंजूस कहाँ जा रहा हो, तो कल नहीं मुझसे तेने कंजूसा कैसे कही पहले तो जा, अब 2 रुपया तो खर्च करने नहीं जा तो मैं, हाँ वो तो सब तो ठीक है मैं आ वो सारो हारा मो सो सो तो भोजी करती हाँ। के पनी ले आ हाँ। सो मो कौन ले आ जाने तो पतो ही है, हाँ जे गली खोन के तो पैसा भी न थे तम, सब बता दे ना को सुन ले सो फे कंजी के देख बो चलो मो सो चलो, अब तुम कंजूस तो हो जरा तो तुम दीदी ने बताई नहीं थी की मैं आ रहा हूँ, बताई थी ससुर के बताई थी, अरे यार देख जीजा तो ससुर में सो की है कहेंगे ठीक है ना, मैंने बता दी क्या तू ससुर के तुम ससुर को लैका सुकून ससुर को लैका तो जा कहेंगे ससुर को लैका, तेरी बात तो ससुर को
मतलब शॉर्ट में कह दे शॉर्ट में शॉर्ट में शॉर्ट में हाउ हाउ आजा कैसे स्वैग के सब बढ़िया है। देख पूरी बात कहेगा जीजा के मुई ससुए के लैका तेरे जगना मुई ससुए देख मैं तो मुई ससुए को के मुई ससुए को लैका लैका इतना मजा नहीं आऊ शोभा नहीं देत जा सेट बदल लेने थी जीजा जी तो मैं अरे बस ससुए के इसे मैं पे का गैमी नहीं लगात गैमी अच्छा गैमी नहीं लगात आजा तो हाउ हाउ मैं कज्जात मु इतनी खुशी भाई तो यार इसे इतनी खुशी कब मैं समान हो रहा खुशी के मोर रो वो आराम दिए तो जाई तो आदा था जीजा आजा ना अभी आजा जय ससुए के आजा हो हो राम राम दीदी राम 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 कभी आओ भैया से अब पैर पर चलो हमें अच्छा जा क्या दीदी हाँ? मैं ओनली मैं चाय वाला पीनो मुल्ला ने स्प्राइट मंगवाई जाए हाँ हाँ जो तो पीने वही मंगवा दे बैठ दे बैठ दे लाइट मिट गई सो ठंडी आनी नहीं है दुकान पे गए थे हम ठंडी नहीं हम जब पीता नहीं उल्टी फेंक जाए ऐसी मतलब जित तो खाना हो जो वो तुम्हें बच जाए वो फेंक जाए जीजा जी तुम मंगवा लो पीबो हम में पकता है का तीन दिन से लाइट मिट्टी मतलब वो दुकानदार की घर अपने घर तो आ रही अपने घर लाइट नहीं आई दीदी आ तो रही है दुकानदार की घर मिट्टी दुकानदार की घर तो कछ नहीं है भैया आते कोल करो खा लियो बिस्कुट खा लियो नमकीन खा लियो समोसा ले हम स्प्राइट पिए दीदी स्प्राइट कुरकुरे भी नहीं मिलने अब कुरकुरे भी लाइट चली गई थी का लाइट नहीं दुकानदार है तो मतलब की रिश्तेदारी में सारे में आ गई थी दुकान बंद करके चलूंगा मैं गई अरे यार वाह दुकान हो गई थी जो अरे वो पप्पू की दुकान नहीं है हां पप्पू की पप्पू की दुकान है पप्पू की लगा को मुंडन है सो तो चलूंगा वो मंगवा रे यार मुंडा ना तो सुबह उठे चलो की साड़े में आएगी सुबह कितने से ले जाऊं अरे तो रोड लो चले जाओ तो है हद से दुकान है इतनी 10-15 दुकान है पता नहीं जाएगा तुम्हें रोड को कहीं पता नहीं है व्यती के मन में रखी थी जो पुई उठवा के फेंकवा दे बिल्डोजर से इन्हें इतनी पता नहीं रहते एक दुकान नहीं बची तो एक दुकान फलाने की बात मिली थी घर वाली बात कि हम साड़ी को देख से लेके आए किराने वही फेंकने किराने वही बे तो लकी हो सकर किराने वही देख तो आओ अब देखने का है नहीं मानस तू मैं जा दीदी संग में हाँ चले नहीं जाते घाव लगी जा ससुर की बैठ ससुर के तो ठीक है मैं चले चलो अब सोमा दे सोनू की लगाई संग फिर रही सोनू की देखो इतने घाव में देखो हमें नहीं जो अच्छा नहीं लगा सुनो नहीं जाते वो कौन फटक कौन है तुम मुझे तो चाबी में आती भी चली जा रही तुम्हारे तो 10 बहाने हैं बहाने बना रहे ना तुम बहाने नहीं बना रहा हूँ सारे के बहाने बहाने बनाओ मैं हाँ ऐसी बात तो नहीं है तो देखो तुम तो कौन है खुली हुई ले आओ ना देखो तुम तो अखो अलग दो कर जाओ पोहा बना दो पोहा पोहा ले आओ पोहा कितने मिल रहे सुबह भी तो किराने की दुकान पे मिला तो मतलब जो हाँ हाँ, दुकान की खुली हुई है की खुली हुई है खबर आएगी आज तो होगी नहीं खुली हुई है मतलब खुली नहीं है आज हमें नहीं है पता क्या नहीं खुली तो सुनो बात हमारी ध्यान से चाय जा जाओ चाय जा से ले आओ लेकिन कैसे जाने यार ठीक है ना जाओ तुम चाय जा से लेके आओ हाँ जात है मिल जाए तो हाँ नहीं तो हम हमारे भज्जा जा रहा होटल में खाए मैं जा रहा स्प्राइट लेके आओ होटल वोटल वो खाने नहीं आओ बीमा हो जाओ मो ससुए को तुम हाँ तुम बीमा हो जाओ वही तो जल्दी लेके आओ इधर होटल में जा रहे हैं जो होटल में चले हाँ हाँ दीदी तो नहीं जाने हो बीमा हो जाओ तुम बीमा हो जाओ क्या होटल भी बंद है का क्या तुम्हें माछियां बनाओ जो बीमार हो जाए का पतो भी ऐसी मतलब कन लगाते ऐसी लातल से कुछ ऐसे सुन चाय उस का तो का पहले वो काम गया था होटल में कि ये जी छिया छने करते हैं मानो ये ऐसी गवा दे तू वही में कुछ भी देखो तो भज्जा तुम इनकी बात में ना लगो इनकी बातें हो कुत्तर की लाते हैं हाँ, हम तो कट के छिया खाने से खाए आओ चलो तो फिर दीदी चलो वो पता है बिल तो इनके नाम पे भरे आया नहीं जाने आओ तुम्हें
ना सीसी कई देख तो मुझसे तो फट गई देख तो सास के बात अब देना मतलब पति देखो को की छियां या थूं को खा रहे हो ये चले जाओ चलो नहीं जाने मतलब हम आ जो तुम धक्का करा दे रहे लग गई दीदी यार दीदी अगर तुम्हें टेंशन हो दिक्कत अगर जी जा रही हाथ उठा कहूँ तो तुम्हें उत्ती पे हाथ पकड़ लेने वहां में फोन लगाने देखो तो तुम्हारी बात है भैया भी तो ठुक जाते हमसे हैं। मैं को दीदी होते है सो तुम तो अच्छे देंगे मतलब अच्छे देंगे और बताओ भैया सब ठीक है वो कौन दुकान में जाने मैं तो इतना लको जा दो घंटा के लाने क्यों ढूंढवे क्या यहाँ से तो करत जे वो तो कौन देखने हैं पूरी दुकान टड़वे माई मैंने असवे भावे की कौन खुली थी ऐसे ही कह वह बात कह दे वो ऐसे तो स्प्राइट पेप्सी बता तो मैंने तो जिंदगी में चीखी रंजा का स्प्राइट कैसी रहा बढ़िया कोनिया मिली राम भाई बढ़िया कोनिया मिली सो मिली जो डिब्बा में लगावा कगा टेम पास को टेम पास बढ़िया ही मैं दूध ने चुतरा को दूध कहनी जो ले जाए के लो पी लो आई चलो ये ऊपर चलो ये सुनी करने साय हवा ढूंढत ढूंढत मैं जो मुझे ढूंढत ढूंढत पौधा ना तो बड़ा गए कदी दी हाँ अबे तक जी जाओ नहीं यहाँ से स्प्राइड लेके अभी तक नहीं आया अबे पहुँच आया मुझे लगा तू कंजूस होता ही छपगा मुझे या फिर होता ही कौन रहेगा दुकान ही पे कितने अरे यार तो परेशानी में जी है चलो मैं देख भी जा रही आओ तुम भी आ जाओ आओ आओ वो तो पनीर ना दूसरा ना खवाया है इतनी महंगी ना हमें तो दे अविश्वास को काय कहां गए हो तुम देखो ना लो की है दुकान पे कर दीदी चलो अरे यार दुकान तो काफी दूर है आओ चलो 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 परेशान हो गए कहाँ हो तुम कहाँ गए मैं बुलाऊ कोई जीजा मुझ तसवे कांगो ओ जीजा जू का जीजा जू चले गए सास की हैं चले गए मुए ढूंढ बे मोनी ढूंढ पाई बारा मुल्कन की पुलिस ये काम मुए ढूंढा जे पिद्दी हैं अब मुए घर जान दे जे नवा बिले पे अब मैं घर करो जात मैं के मैं बैठो तुम्हारे यहाँ सामने दो घंटा को अब तो जी है इतना को कर जान दे इतना को कर जान दे जी जाए भग गए जान दे घर जान दे मुझे ढूंढा तीजी हूँ मैं तो थक गई भाई ये ते तो बोला मैं देखा दीदी मैं हाँ। देखा ओ जी जाजू तुम तो ढूंढो भाई चल ढूंढ तो तेरे तो ढूंढे में लगू ओ जी जाजू जंगल में ओ लग गई बच्चा रुक जा मैं लंदे में बताऊँ तू हाँ तो ढूंढ तो हाँ हाँ दीदी क्या तो नहीं लोगों सास को इतने नन्या दीदी इतने नन्या देखा हम क्या रुई सी को चाहता ही दीदी रुई सी मुँह नहीं पीने पास पर मुँह लग गई मैं तो खा जा मैं तो खा जा मुँह भी कम नहीं दिखा रहे यार रुक जाओ मैं लंदु मैं तो अबे घर जा रही हां हम तो घर है घर है तो हां घर से कहां गए हैं सुधार ही गए देखो तो नंगी पांव भगत गई थी ने ढूंढवे के लाने हां हम तो आज तो सुधार ही देने हाओ दीदी मैं मो कछु हाओ मैं यो मैं तो बिल्कुल कूड़ी पकाया के टाइम में मतलब हाओ को जाने कहूं नहीं दिखाता मुई सास के ते का कर रहे थे तुम कितने गई हमें तो दो घंटा से बैठी रहा सा में दो घंटा से अच्छा मैं तो भैया तो ढूंढ में गई थी तुम कहूं कि दिखा रहे हो मैं इतना बैठूं ते मो
दीदी बोले तो दबा दू तुम थोड़ी हम सब्जी बना रहे हैं। ससुर के तुम मुझसे मतलब कोड़े दबवाए दबवा तो दीदी तना तुम जो काम कर लगा ससुर के ना सास की ससुर को लेर राजा हमारे ससुर को लेर राजा ससुर को नहीं कुए तो नाम भी तो है ही को हाउ कोई ना देवेंद्र देवेंद्र ठीक है ससुर के देवेंद्र ठीक है ओ ना जी जाजू भाई स्प्राइट ले आपा मंगवा दे अरे हाँ स्प्राइट ले भी तो गए थे तुम कहाँ है स्प्राइट स्प्राइट तो है नहीं यार ओ वो नमकीन को फोड़ा बिस्कुट को फोड़ा कहाँ है भी सब दुकानें बंद हो गई थी बे दुकानें बंद थी दोपहर में घाम हो तो उस दुकानें बंद करके भग गए सास के सब के सब का कह रहे जी जाजू दुकानें बंद दुकानें बंद ओ तो मुझे ढोल भी खिलाने गए थे का हाँ मैं सोचा थे गए कछु के वो नहीं तुम जो हम ससुर को देवेंद्र मतलब दीदी जो ससुर को देवेंद्र का कह रहो ओनली देवेंद्र कहे तो मैं सी बाड़ी बोला तो अकेले देवेंद्र देख के ऐसी बात नहीं कह रहे हैं पहले मुझे जो बता देवेंद्र पहले मुझे जो बता अब सब सामान गंगा आवे में गई थी ढूंढवे के लाने से एक छोटा बाल बच्चे तो कोरकोरी खा रहा हो तो हाउ बोलो कहां से आओ खा रहा हो तो दीदी खा रहा हो वो मम्मा के नहीं गा तो वो मिलो जो तुम्हें उनको रज्जू को लाका वो मम्मा कितने से लौट उस लाए तो वही ससुर मुंह में दुकान से क्या कर ले वो घानी आप वो मम्मा कितने से दे आगो खात खात ते सास के बहाने ने बना बता दी मेरे बाल बच्चे को बाल बच्चे सुबह जब मतलब ये खेल को ले में एक महीना चला ले पगला है तुम तो वही बात ध्यान से सुनो हाँ। जो सब चुपचाप वही ले थे आओगे तो सब्जी नहीं बनने वाली है तेरा रोटी बनने वाली चल भाई ढाबा पे चले आजा हाँ हाँ चलो दीदी ढाबा पहले छिया है अभी क्या के वही हाँ मैं तो खा ले दीदी आजा आजा दीदी मैं तो है तो मैं ना घूम के कंजूस खाऊंगी आजा चलो दीदी दीदी वो मैं की कॉल है तो मैं को चली जा कॉल बनाते आज मैं कॉल बनाते अवई मैं जा कल की कसम है मतलब ठीक है तो ओते जावे से मारे जे ना दूसरे दीदी का मौसम पानी मोली भाबे गई मो हम मैं गए मारे सुबे मतलब ढावा पे जे कोनो भी ढावा पे तो देवन की कसम है तुम ऐसे कह के ना तुम ही मैं जाओ हमें भज जा के ना मार रहे ओ बियानी बात दीदी अबे तुम ऐसे तुमने ऐसे कही गए तुम ऐसे यहां दीदी मारो इतनी आज तक ना भाग जाती लेकिन अब बत
बता तो 200 रुपया को खैच हो जाने देख तो लेकिन कछु नहीं है। अब वो अच्छी हवा लगन लगे एक दो साल है वह चल लेती अब तो 6-7 ही महीना है चल जे तो चलो बढ़िया है बतो आई जात सही है भाग गई खैच को घर हती अब अकेले 2 रोटी खे मजे में रहे